हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल हब। टेक्निकल हब आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आया है। तो दोस्तों, ये CO2 लेज़र मशीन की जो लेज़र ट्यूब होती है वो टाइम से पहले डैमेज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूँ, जो CO2 लेज़र ट्यूब होती है वो दो प्रकार की आती है, मेटल की और ग्लास की। जो मेटल की होती है वो प्राइस उसका ज़्यादा होता है और काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव करती है, और ये इंग्रेविंग में इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, मतलब ग्लास से उसकी दुगनी स्पीड होती है। साइज़ में ये नॉर्मल ग्लास की तरह ही होती है। सेफ्टी भी दी जाती है, सेंसर दिए जाते हैं। लेकिन हम ग्लास CO2 लेज़र ट्यूब की बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड हमारा होता है 1000 से 10000 के आवर्स के बीच में। अगर हम इंग्रेविंग करते हैं, ज़्यादा ही कुछ इंग्रेविंग करते हैं, तो इसका लाइफ टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? वो हमारा कम हो जाता है 1000 से 2000 के आवर्स के बीच में रह जाता है। फिर हमें रिप्लेस करवानी पड़ती है CO2 लेज़र ट्यूब, जो कि हमारा लगा लो 4 से 5 मंथ्स हमारी लेज़र ट्यूब इंग्रेविंग कर देगी मिनिमम। और जो बायर्स हैं उनकी CO2 लेज़र्स टाइम से पहले ही डैमेज हो जाती है, लेज़र ट्यूब है वो टाइम से पहले डैमेज हो जाती है। इसका कारण ये है कि वो पावर ज़्यादा दे देते हैं। कुछ भी आप काट रहे हो, MDF काट रहे हो, एक्रेलिक काट रहे हो, या फाइबर कोई कुछ काट रहे हो, वो उसमें लेज़र ट्यूब पे प्रेशर हो जाता है। पावर ज़्यादा दे दोगे तो प्रेशर ज़्यादा अपने आप हो जाएगा। और दूसरा कारण ये है कि वाटर पम्प नहीं चल रहा होता उनका। अगर वाटर पम्प नहीं चलेगा उनका तो उनका ये दिक्कत आएगी। अगर आप इंग्रेविंग कर रहे हो, वाटर पम्प नहीं चालू है, तो आपकी लेज़र ट्यूब है वो हीट हो जाएगी ज़्यादा ही। वो वाटर पम्प इसलिए होता है, वो कूलिंग के लिए होता है। अगर आप हल्का सा भी जब कुछ भी काट रहे हो वो रुक जाता है, इंग्रेविंग होते होते जो लेज़र ट्यूब है वो रुक जाती है तो लाइट हो जाती है। वो इसका मतलब ये है कि वो पावर नहीं दे पा रही, लेज़र ट्यूब पावर है वो जनरेट नहीं कर पा रही। और तीसरा पॉइंट ये है, लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। ये हम सभी को बताते हैं जो ट्रेनिंग्स लेने आते हैं कि स्टेबलाइज़र या UPS लगवाना मशीन में ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि अगर आपकी लेज़र वोल्टेज है वो कम आ रही है आपकी, तो या आपकी इलेक्ट्रिसिटी एकदम ही अचानक से चली जाती है तो वो लेज़र ट्यूब पर प्रभाव पड़ता है। अचानक से प्रेशर पड़ता है तो वो बंद हो जाती है लेज़र ट्यूब अचानक से आपकी काम करते करते। तो इसलिए ही आपको UPS या स्टेबलाइज़र लगवाना ज़रूरी है। UPS में ये फ़ायदा रहता है, अगर आपका अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो मशीन आपका वर्क हो रहा है तो चलता रहेगा इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी। जब आपका वर्क ख़त्म हो जाए तो 15 मिनट के बाद आप बंद कर सकते हो आसानी से, वो काम आपका UPS करता है। अगर स्टेबलाइज़र में ये होता है फीचर कि वो आपको बराबर मेंटेन करके देगा इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज है, जो कम ज़्यादा है वो एकदम बराबर लेज़र ट्यूब को बराबर देगा वोल्टेज। UPS में भी यही होता है, लेकिन UPS का प्लस पॉइंट ये भी है कि इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी वो काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।